आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ कलकत्ता के सबसे फेमस फास्ट एंड फ्यूरियस सैंडविच वाले में। नमस्ते भैया। नमस्ते सर, बोलिए क्या खाएंगे आप? आज क्या खिलाओगे? सबसे स्पेशल कौन सा है यहाँ का? स्पेशल में तो अभी ट्रेंडिंग में मलाई चल रहा है, अभी टोस्ट है, पनीर है, चीज है, सब है। अच्छा सब है। भाई इनकी ब्रेड की लोफ रहती है, खुद के लिए बनवाते हो ब्रेड की? मतलब ये डायरेक्ट बेकरी से आती है। अच्छा डायरेक्ट बेकरी से। इतनी बड़ी ब्रेड की लोफ से ब्रेड के पीसेस कटिंग? और भैया बहुत मोटे नहीं काट रहे हो पीसेस? इसका थोड़ा ब्रेड सैंडविच थोड़ा लोडेड है ना, तो थोड़ा मोटा लोफ ही चाहिए। अच्छा थोड़ा मोटा पीस ही चाहिए। ये वैसे अपने स्टोर का नाम क्या है? बॉम्बे सैंडविच। लेकिन जाना तो फास्ट एंड फ्यूरियस के नाम से जाना जाता है। मलाई सैंडविच। भाई साहब स्पीड देख लो एक बार क्या बना रहे हैं। भैया ने सबसे पहले क्यूकम्बर डाल दिया हमारे ब्रेड के। मैम आपका प्याज चलेगा? मलाई पहले क्यूकम्बर आ गया। और ये देखो भाई साहब क्या स्पीड से प्याज काट रहे हैं। क्या आ गया नेक्स्ट? प्याज के लच्छे। भैया कितने टाइम से बना रहे हो? हम तो 5-6 साल से मैक्सिमम बना रहे हैं सर। पहले अच्छा, तो मेरे पापा बैठते थे। अच्छा पहले पापा बैठते थे। इसके ऊपर जाएगा कैप्सिकम, पूरे कटिंग करके रखे हुए प्रिपरेशन। हाँ। क्या प्राइस है भैया इसका? 130। अच्छा 130 रुपीज। और ये देखो वहाँ से अपने पनीर का क्यूब है। हाँ। पूरा पनीर का क्यूब एक इसमें जाएगा। भाई साहब इतना हेवीली लोडेड रहता है। ये आ गया उसके ऊपर पनीर। कोलकाता का सबसे बेस्ट मलाई है सर। अच्छा कोलकाता की मलाई, ये भी खुद बनाते हो कि कहीं से? दुकान से आती है सर, रबड़ी दुकान से। अच्छा रबड़ी की दुकान से आती है पत्ते के ऊपर। भाई साहब एकदम कलकत्ता की बेस्ट जो मलाई रहती है ना भैया लगा रहे हैं। ये सर एकदम देसी मलाई है सर, इससे टेस्ट में तो मजा आ जाता होगा। अरे एकदम क्रीमी सैंडविच हो जाएगा सर, क्रीमी सैंडविच बन जाएगा। ये देखो पत्तियों के बीच में मलाई, जैसे वो सोने की परत नहीं आती पत्तियों के बीच में, ऐसे मलाई लाए हैं भैया। ये मिक्स वेज है सर। अच्छा मिक्स वेज। आलू की सब्जी? हाँ। आलू का जो मिक्स रहता है वो आ गया। फुल चीज अभी जाएगा। चीज भैया अपन रहते कोलकाता में, ऊपर नाम बॉम्बे सैंडविच कैसे? हाँ। गया फर्स्ट में बॉम्बे सैंडविच ही था तो यही नाम चल गया सर, फिर बॉम्बे सैंडविच ही रखा गया। भैया अपनी शॉप की टाइमिंग्स और लोकेशन एक बार बता देना। जरूर बता देंगे सर, बता दे। हाँ पहले बना लो सैंडविच, ऊपर से भी और थोड़ी मलाई जा रही है। हाँ, हमारे तो ये लोडेड सैंडविच बनेगा सर। एक सैंडविच कितने लोग खा पाएंगे? एक सैंडविच मैक्सिमम 2 आदमी खा लेंगे आराम से। अरे वाह। अपने यहाँ पे क्या रेंज से चालू होता है सैंडविचेस? सैंडविच 40 रुपीज से चालू होते हैं। अच्छा भैया ने देखो पीछे मेन्यू लगाया हुआ है सैंडविचेस का, 40 से 130 तक। ये ऊपर से और मलाई चलेगा ये हमारे सैंडविच पे, पूरा मलाईदार सैंडविच रहने वाला है, बहुत क्रीमी बनेगा। ये आ गई भाई साहब ऊपर से ग्रीन चटनी। हाँ। और ये ऊपर से और कैप्सिकम डाल दिया भैया ने। ये पैक हो पाएगा इतना बड़ा? ये आराम से होगा सर, एकदम स्मूथ पैक होगा। ऊपर से भैया ने टमाटर डाल दिया और अब करेंगे इसको पैक। इस पे भी लगाई जाएगी एकदम ढेर सारी मक्खन बटर। ये हो गया पैक। और एकदम ये देखो जो बॉम्बे ग्रिलर रहता है ना उसमें डाला जाएगा हमारा सैंडविच। एकदम बॉम्बे इसलिए नाम है भैया, बॉम्बे ग्रिलर में बना रहे हो। और ये आ गया अपने गैस पे जोरदार। ये अपना दूसरा वाला भी आ गया हमारे ग्रिलर में, पूरा प्रेस कर गए। भाई साहब आग में पकाया जा रहा है। कितना टाइम लगता है एक सैंडविच को बनने में? 2 से 2.5 मिनट। अच्छा 2 से 2.5 मिनट में रेडी एकदम। ये देखो वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं जो कट रहे हैं। अब भाई साहब एक बार स्पीड चेक कर लो भैया की, नेक्स्ट लेवल स्पीड। अभी फाका है, अभी कोई काम नहीं है सर, काम होता तो एकदम फुल स्पीड में होता है। अच्छा ऐसा है? मतलब शाम को जैसे ही भीड़ भगती है स्पीड भी बढ़ जाती है? क्राउड होती है सर 5-6 बजे के बाद। अच्छा 5-6 बजे के बाद। ये देखो भाई साहब एक बार भी, भाई साहब ये देखो ढेर सारी बटर डाली जा रही है हमारे इसमें और एकदम स्मोकी स्मोकी रहने वाला है अपना सैंडविच। चटनी है, ये धनिया चटनी जाएगी सबसे पहले प्लेट में। और ये लहसुन चटनी है। अच्छा लहसुन चटनी। और ये है टमाटर। 3 टाइप की चटनियाँ जाएगी? हाँ। अरे वाह। रेडी फॉर योर। और ये हमारा सैंडविच हो गया भाई साहब रेडी, एक बार रंग चेक कर लो। 2.5 मिनट में भैया ने सुपर फायर में सुपर स्पीड से बना दिया हमारा सैंडविच। अच्छा भी आपने वो मूवी देखी है क्या फास्ट एंड फ्यूरियस? सारा फिल्म देखा है। फास्ट एंड फ्यूरियस कैसा कोई सारी फिल्म नहीं हो जो हम छोड़े हुए सर। अच्छा सब देखे हैं। अरे वाह। चीज सैंडविच भी पनीर वाली सब आ गया। अब बोलेंगे तो चीज पर भैया ने और डाल दिए भर के। हो गया भैया रेडी? हां।
क्या प्राइस है इसका? 130। मैडम को दे देंगे, आपको दे दे? नहीं दे दूंगा, थैंक यू सो मच। ये सैंडविच खाना है तो लोकेशन और टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग सुबह 12 से रात 10 बजे तक रहता है, संडे ऑलवेज ओपन, सभी दिन खुला रहता है। अच्छा, और लोकेशन? बड़ा बाजार बस्तला मोड़, कलाकार स्ट्रीट। ओके, थैंक यू सो मच भैया। बस बिना प्याज